जो कल तक उनका जय जयकार करते थे, आज वो मजबूर हैं सड़कों पर आकर थाली और ताली बजाने के लिए। कल तक वो थाली और ताली जो उनके समर्थन के लिए बजा रहे थे, आज वो उनके विरोध प्रदर्शन के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये असली मुद्दे हैं लोगों के। आप रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की कहानियां दिखा दिखा के लोगों को कितना भटकाएंगे, कितना बेवकूफ बनाएंगे। जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है वो मीडिया को मजबूर कर रहे हैं, वो मजबूर हैं वो लोग मीडिया पे ट्रेंड करवाने के लिए कि भैया हमारी तरफ ध्यान दो, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है। बड़ी बड़ी बातें और ये पकोड़े बेचने और इस तरह की जो आपकी जो विचार है सामने आ रहे, इससे क्या पता चल रहा है। उन्होंने हमारे जवान मारे और हमने उनके जो है जितने भी एप्स थे इंडिया में वो सारे बैन कर दिए, तो उनको तो बहुत बड़ा प्रहार हुआ मेरे ख्याल से। तो ये सारी जो ढकोसले हैं, ये सरकार देना, हमें देना, जो जनता को देना बंद करे। आखिर वो समर्थक किसान जो कल तक जय जयकार करते थे, आज वो सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। देखिए, जो ये जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। ये जब से समझिए 2016 के बाद से ही जो है ये बेरोजगारी का मुद्दा शुरू हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं, जो भरोसा था लोगों का सरकार पर, उस वक्त एक भरोसा था और ये धीरे धीरे भरोसा, इन्होंने आश्वासन दिए और बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी बातें की, और उसके बाद आज ये हाल हो गया है कि वो छात्र, वो विद्यार्थी, वो नौकरी एस्पायरेंट्स जो कल तक उनका जय जयकार करते थे, आज वो मजबूर हैं सड़कों पर आकर थाली और ताली बजाने के लिए। कल तक वो थाली और ताली जो उनके समर्थन के लिए बजा रहे थे, आज वो उनके विरोध प्रदर्शन के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो समर्थक जो आज विरोध में क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। अर्थव्यवस्था की जहां तक आपने बात की कि वो नेगेटिव में जा चुकी है, तो यहां पर सोचने वाली बात ये है कि इस पर काम हुआ कब, इस सरकार ने इसके बारे में सोचा कब कि हमें इस पर काम करना है। सुबह से शाम तक आपके न्यूज मीडिया में या तो हिंदू मुस्लिम की डिबेट दिखाई जाती है, या फिर ये दिखाया जाता है कि फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन असली जो मुद्दे हैं उनको छुपाया जाता है। जो असली जो जिस पर काम होना चाहिए, उस पर जो सरकार का रवैया होता है, उस पर कोई ऐसा सॉलिड, उस पर रिव्यू नहीं आता, उनके कोई स्टेटमेंट्स नहीं आते जिससे ये पता चले कि सरकार एक्चुअली में काम करना चाहती है। तो ये यहाँ पर सोचने वाले, अब जो हमारे लोग जागरूक हुए हैं, जो कल तक समर्थक थे, तो उनको ये बात समझ में आई है कि सरकार एक्चुअली में काम करना चाहती ही नहीं है। लोगों ने ट्विटर पे एसएससी और रेलवे के जो जॉब एस्पायरेंट्स थे, उन्होंने ट्रेंड करवा करवा के पीयूष गोयल से सिर्फ अभी डेट फाइनल करवाई। आप ये सोचिए कि 2018 के जिन्होंने एग्जाम दिया था रेलवे का, उनके अभी तक ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं आए। लेकिन सर, जो आपने सोशल मीडिया की बात कही, ये बहुत बड़ी बात है कि बेरोजगार लोग सरकार के खिलाफ ट्रेंड करवा रहे हैं। क्या लगता है सरकार को आने वाले चुनावों में इनसे नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होना चाहिए, क्योंकि ये असली मुद्दे हैं लोगों के। आप रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की कहानियां दिखा दिखा के लोगों को कितना भटकाएंगे, कितना बेवकूफ बनाएंगे। जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है वो मीडिया को मजबूर कर रहे हैं, वो मजबूर हैं वो लोग मीडिया पे ट्रेंड करवाने के लिए कि भैया हमारी तरफ ध्यान दो, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है। बड़ी बड़ी बातें और ये पकोड़े बेचने, इस तरह की जो आपकी जो विचार हैं सामने आ रहे, इससे क्या पता चल रहा है। आपने रेलवे का निजीकरण करना चाह रहे हैं, आप BSNL बेच रहे हैं, दुनिया की, हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी धरोहर है आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो युवा चुपचाप थोड़ी बैठेगा, हर दिन थोड़ी बेवकूफ बनेगा। वो घर पे बैठा हुआ है, वो तैयारी कर रहा है, वो अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में हर साल कितनी बड़ी वैकेंसी आती है, और उसके कितने सालों से, दो दो तीन तीन साल से इम्तहान देके बैठे हुए हैं घर पे, तो वो कब तक समर्थक करते रहेंगे, कब तक वो आपको सिर्फ मंदिर के नाम पर आपको वोट देते रहेंगे। आपने अभी सरकारी कंपनियों की बात करी, सरकार तो कह रही है कि कुछ लोगों को BRS ले लेना चाहिए, कुछ लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दे रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि जितना भी इसकी जो, इससे जितने भी पैसे आते हैं, पहले सबसे तो इनका फर्स्ट मोटिव ये है कि इससे निजीकरण हो, जिससे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके हाथ में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की पूरी रूट है, उनको ये उससे क्या कहते हैं फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि जितने भी इसमें सरकारी लोग हैं, जिससे गरीबों को फ़ायदा होता है, मिडिल क्लास को फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा मिलना बंद हो जाए। आपको पता होना चाहिए, जब फासीवाद आता है, जब फासिज्म आता है, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं कि कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं और गरीबों को गरीब रखते हैं, और उनको राष्ट्रवाद का और दूसरी जो आइडियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उसका एक मनगढ़ंत, एक आर्टिफिशियल क्या कहते हैं ढोंग दिखा के उनको भटकाया जाता है। लेकिन इस देश का तो प्रधानमंत्री खुद गरीब है, वो एक गरीब परिवार से आते हैं। देखिए, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये इनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है कि जहां कुछ भी हो अपने आप को सबसे बड़ा गरीब दिखाना।
ये जहां पर भी बात आ जाती है ना कि बेरोजगारी की, और जब भी इनसे सीरियस सवाल वाली बात आती है तो अपने आप को दिखाते हैं कि मैं तो खुद गरीब था, जबकि इसका उल्टा है। इन्होंने बहुत ऐश मौज की जिंदगी गुजारी है, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है अमरीका की और पैरिस की। तो ये बताइए, इतना गरीब इंसान वो पैरिस और लंदन घूम के आएगा क्या? तो ये एक नंबर का झूठ है जो प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को विक्टिमाइज दिखाते हैं कि मैं तो बहुत गरीब था। और अगर ये गरीब थे तो आज ये प्रधानमंत्री बने, तो इसका मतलब यह है कि उनको तो दो लोगों का दुख समझ में आना चाहिए, उनको नौजवानों की बेरोजगारी की परवाह होनी चाहिए कि वो बेरोजगार बैठे हुए हैं घरों पर। आखिर आप ये बताइए कि आप अमरीका जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो युवा है, और युवा जहां होता है वो देश प्रगति करता है, तो देश कैसे प्रगति करेगा? जब आपने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सवाल आपसे जब भी पूछा जाता है 2 करोड़ नौकरियों का, तो आप बताते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। लोगों को मंदिर की जरूरत है या नौकरी की जरूरत है? तो आपको नहीं लग रहा देश प्रगति कर रहा है? बिल्कुल भी अरे भाई साहब, -23% जीडीपी चली गई है, और वित्त मंत्री जी कहती हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये ब्लेम जो है वो भगवान के ऊपर दिया जा रहा है कि ये भगवान की गलती है। तो आप ये सोच सकते हैं ना कि ये कितनी बड़ी चीज को छुपाया जा रहा है, कितना बड़ा अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटाई जा रही है। तो ये तो अजंता को आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? लेकिन मोदी जी ने एक नारा दिया आत्मनिर्भर, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज और यहाँ पर समझने की, जब से ये सरकार बनी है हमेशा से ये रहा है डेमोक्रेसी में कि हमेशा सवाल सरकार से किया जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक टेफ्लॉन इमेज बनाई है जिसमें लोग उनसे सवाल नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी जनता पर थोप देते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो, यानी अपना काम तुम खुद ही संभालो, खुद ही अपनी बेरोजगारी का समाधान ढूंढो, हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो भाई तुम्हारे लिए जो है वो राष्ट्रवाद का गान गा रहे हैं, दुनिया पूरी दुनिया में बड़ा बोलबाला कर रहे हैं, ये सब हमारे करने के काम नहीं है। तो जो भी अपनी जिम्मेदारी अपने नहीं निभाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जनता पे डाल देते हैं। जनता को कहते हैं कि भाई सफाई सुथराई का काम तो आपका है, बेरोजगारी का काम तो आपका है, हम कितना करें। वो ये कह रहे हैं कि सरकार क्यों काम करे। तो ये जो खास तौर से एक जो इनके समर्थक है उनको ये मेंटली बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार कह रही 70 सालों में जो काम नहीं हुए वो हमने अब कर दिए इन चंद सालों में। हाँ, इन्होंने अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो बनाई गई थी उसको पूरी तरीके से तबाह कर दी। तो ये तो सच्चाई है कि भाई जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो उन्होंने जो है 6 साल में कर दिखाया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया हमारी देश की इकोनॉमी। जो देश प्रगति कर रहा था, जो डेवलपिंग कंट्रीज में से आता था, उसमें डिमोनेटाइजेशन लाकर सबसे पहले उसकी कमर तोड़ी गई, उसके बाद GST लाके जो मिडिल क्लास लोग थे उनकी कमर तोड़ी गई, और अब अनप्लान्ड क्या कहते हैं ये मतलब हमारा जो लॉकडाउन हुआ उसमें उन्होंने एक जो लेबर क्लास थे, यानी ये वो कह सकते हैं जो डेली वेजर्स थे, उनको और किसानों को बहुत बड़ी तकलीफ पहुंची। लेकिन ये तो मानोगे ना, विदेश नीति तो मजबूत हुई है सरकार। कौन सी विदेश नीति इसमें मजबूत हुई है? ये क्या कहते हैं आप, NRC CA की बात कर रहे हैं जिसमें जो है वो शरणार्थी लाने की बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान और चाइना से जो हमेशा मुठभेड़ चलती रहती है उनकी बात कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं ये रफाइल का जो घोटाला हुआ उसकी बात आप? चाइना को तो घुटनों पे ले आया ना भारत। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमारे जवान मारे और हमने उनके जो है जितने भी एप्स थे इंडिया में वो सारे बैन कर दिए, तो उनको तो बहुत बड़ा प्रहार हुआ मेरे ख्याल से। तो ये सारी जो ढकोसले हैं, ये सरकार देना हमें देना जो जनता को देना बंद करे। आखिर वो समर्थक किसान जो कल तक जय जयकार करते थे आज वो सड़कों पर आने पर मजबूर हैं। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भारत सरकार ऐप बंद कर रही है और चाइनीज जो सरकार है, जो चाइना है, वो हमारे मैप पे कब्जा कर रहा है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जहां पर मोदी जी हमेशा कहते थे कि हमें लाल लाल आंख दिखाने की जरूरत है, आज वहां पर जो है इनके पास और कोई सलाहियत नहीं है तो जो है एप्लीकेशन बंद कर रहे हैं। और क्योंकि ये मुद्दा इतना अहम है, इतना गर्म है कि चाइना जो है हमारी सरजमीन पे आके हमारे हिस्सा कब्जा कर चुका और इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो मीडिया में सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत जैसे लोगों को सामने दिखाकर अपनी ये जो सिर्फ अपनी जो इनका क्या कहते हैं एक एजेंडा है उसको वो दिखाना चाह रहे, ताकि उधर सवाल ना किए जा सके, और जो लाल लाल आंखें दिखाने वाली बात थी वो सवाल उन पर ना आ सके।